बात कर लेते हैं एनाल्जेसिक यानी दर्द निवारक दवाइयों की, यानी जो दवाइयाँ दर्द को कम करती हैं या दर्द को ख़त्म करती हैं, उन दवाई को इस वीडियो में बताया गया है। नंबर एक, सेलिकोक्सिब। अगर बात करें कंपनी की तो ये सेलसिब, कोबिक्स और सिलेक्ट नाम से मिलती है। बात करते हैं डोज की, एडल्ट यानी वयस्क को 200 मिलीग्राम प्रतिदिन ये दवाई देनी होती है, या फिर 100 मिलीग्राम सुबह शाम ये दवाई दे सकते हैं। बात करें बच्चों की तो अगर आपका बच्चा 25 किलो से कम वजन का है तो उसे 25-25 मिलीग्राम सुबह शाम दवाई देनी है, और अगर आपका बच्चा 25 किलोग्राम से ऊपर है तो उसे 50-50 मिलीग्राम सुबह शाम दवाई देनी है। नंबर दो, डाइक्लोफिनेक सोडियम। ये वोवरान, फिनेक प्लस और डोलोकाइन नाम से मिलती है। बात करें डोज की तो एडल्ट में 50 मिलीग्राम से 100 मिलीग्राम हर 8 घंटे के अंतराल पर आपको ये दवाई देनी होती है। वहीं बात करें बच्चे की तो 1 से 3 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से हर 8 घंटे के अंतराल पर ये दवाई देनी होती है। नंबर तीन, इटोडोलैक। ये लोडाइन, इटियोस और इटोकेयर के नाम से मिलती है। बात करें डोज की तो एडल्ट यानी वयस्क में 200 से 40 मिलीग्राम हर 8 घंटे के अंतराल पर ये दवाई देनी होती है। वहीं बच्चों में 10 से 20 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से दिन में दो बार ये दवाई देनी होती है। नंबर चार, आइबुप्रोफेन। ये ब्रूफेन, आइबुजेसिक और एल्फ्लेम नाम से मिलती है। डोज की बात करते हैं तो एडल्ट में 400 मिलीग्राम से 600 मिलीग्राम हर 8 घंटे में दवाई देनी होती है, और वहीं बात करें बच्चों की तो 5 मिलीग्राम से 10 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से हर 8 घंटे में दवाई देनी होती है। नंबर पाँच, मेफेनिमिक एसिड। ये मेफ्टालिस्पास, मीफास्ट और पोनस्टान के नाम से मिलती है। बात करें डोज की तो एडल्ट में 500 मिलीग्राम हर 8 घंटे में आपको ये दवाई देनी होती है। बात करें बच्चों की तो 5 साल तक के बच्चे को 125 मिलीग्राम हर 8 घंटे में, और 5 साल से 15 साल के बच्चों को 250 मिलीग्राम हर 8 घंटे में देनी होती है। नंबर छः, एसिक्लोफिनेक। ये एसिफेन, एसिक्लो और जीरोडोल के नाम से मिलती है। जीरोडोल एक प्रसिद्ध नाम है दवाई का, जिससे आसानी से मिल जाती है। बात करते हैं डोज की तो एडल्ट में ही 50 से 100 mg हर 12 घंटे में देनी होती है। वहीं बच्चों में इस दवाई को देने से मना किया जाता है। नंबर सात, एस्पिरिन। हालांकि एस्पिरिन को दो रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, यह दर्द निवारक दवा के रूप में भी इस्तेमाल की जाती है और खून को पतला करने में भी लाभदायक होती है। अगर कोई हार्ट का पेशेंट है, हार्ट से संबंधित किसी तरह की उसे समस्या है, तो एस्पिरिन की दवाई देकर के उसे हार्ट अटैक आने से बचाया जा सकता है, क्योंकि यह दवाई खून को पतला करती है। यह इकोस्प्रिन, एसपीवेल और डिस्प्रिन नाम से बाजार में मिलती है। डोज की बात करते हैं तो एडल्ट में 325 mg से 650 mg हर 6 घंटे में ये दवाई दी जा सकती है। वहीं बात करें बच्चों की तो 12 साल से कम बच्चों में ये 10 से 15 mg पर किलोग्राम के हिसाब से हर 6 घंटे में देनी होती है, और अगर बच्चा 12 साल से ज़्यादा उम्र का है तो 325 mg से 650 mg हर 6 घंटे में ये दवाई देनी होती है, जैसे ये वयस्कों में दी जाती है। नंबर आठ, पायरोक्सिकैम। यह पायरिकैम, पायरोक्स और डोलनेक्स नाम से बाजार में उपलब्ध होती है। डोज की बात करते हैं तो एडल्ट में 20 मिलीग्राम प्रतिदिन के हिसाब से यह दवाई दी जाती है, या फिर 10-10 मिलीग्राम के हिसाब से सुबह शाम यह खुराक दी जाती है। बच्चों में इस दवाई को नहीं दिया जाता है। नंबर नौ, निमेसुलाइड। यह निमप्रेक्स, निसिप और निमटेक नाम से बाजार में मिलती है। बात करते हैं डोज की तो एडल्ट में 100 mg दिन में दो बार ये दवाई दी जा सकती है। बात करें बच्चों की तो 12 साल से नीचे के बच्चों को ये दवाई नहीं दी जाएगी, 12 साल से ऊपर के बच्चों को भी 100 mg दिन में दो बार दी जा सकती है। नंबर 10, ट्रामाडोल। यह ट्राइकेयर SR और कोंट्रामल नाम से बाजार में उपलब्ध है। बात करते हैं डोज की तो एडल्ट में 50 से 100 mg की दवाई दिन में दो बार दी जा सकती है। यह 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg तक भी मिलती है। जरूरत पड़ने पर एडल्ट को 300 mg तक की खुराक भी दी जा सकती है। बात करते हैं बच्चों में इसकी डोज की तो 12 साल से नीचे के बच्चे को ये दवाई नहीं दी जाती है, 12 साल से ऊपर के बच्चों को 50 से 100 mg दिन में दो बार दवाई दी जा सकती है, जैसे बड़ों को दी जाती है। ये 10 दवाइयाँ थी, 10 एनाल्जेसिक दवाइयाँ थी जो दर्द को कम करने या ख़त्म करने में इस्तेमाल की जाती हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ जल्दी मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।